सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल 207। सो गाइज, आज हम राइड पे जा रहे हैं FRI। तो गाइज, आपको पता होगा FRI मतलब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा देहरादून में, जो कि बहुत पॉपुलर जगह है। वहाँ पर स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग हो चुकी है दोनों पार्ट्स की। आपको पता नहीं होगा तो आप देख लेना, रिजेंबल करते दोनों प्लेसेस, मतलब एक ही हैं इसलिए रिजेंबल तो करेंगे। तो FRI है प्रेमनगर से थोड़ा सा पहले और घंटाघर तो बहुत आगे। तो आई थिंक सो यहाँ से होगा FRI 7 to 8, या नहीं 7 to 8 तो बहुत कम होंगे, पता नहीं कितना होगा, देखते हैं। बाकी उससे पहले गाइस, मेरी पिछली वीडियो जो थी, जो कि हमें सोशल वर्क किया था गायों को खाने खिलाने वाला, उसमें बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिला हमें, मतलब एक दिन के अंदर हमें 200 व्यूज़ आ चुके उस वाली वीडियो में। अभी करंटली बात कर रहा हूँ, ये वीडियो तो अभी 2-3 बाद आएगी जब मैं अभी शूट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उस टाइम जब अभी इस टाइम तो उसमें एक दिन के अंदर 200 व्यूज़ आ चुके हैं, जो कि बहुत सही है गाइस। थैंक यू आपसे। अगर गाइस आपको ऐसी सोशल वर्किंग वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, हम ऐसी और बनाते रहेंगे। सो गाइस, अब बात करते हैं मेन, हम साइकिल पे जाएंगे। अभी बज रहे हैं 11 बज रहे हैं, करंट एकदम ठीक 11 बज रहे हैं। अभी आएगा और यहीं से हम साइकिल वाले रास्ते निकल, साइकिल से जा लेंगे मेन रोड के रास्ते। तो अभी देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। और बाकी हम, मैं तो इस मतलब इंट्रो पार्ट शूट कर रहा हूँ उसी फ़ोन से, बाकी पूरा टाइम एक्शन कैमरे शूट करेंगे। और बताना होगा इस एक्शन कैमरे शूट आपको कैसे लगा पिछली वाली वीडियो में भी, और इस वीडियो में भी हम शूट करेंगे एक्शन कैमरे। तो चलिए अब चलते बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो भाई नियाला चौक पार कर चुका है, हमने अभी एक केला रेगुलर एक केला मैं ले लिया। और एंगल बताना है, एंगल पता नहीं कैसे आ रहा होगा इसमें, मैं देखो चलिए छोटा बारा देखना चाहिए। और चलते हैं, भी देखते हैं कितना दूर है अभी, तो वैसे बहुत दूर है, एक घंटा कर भी नहीं आया। देखते हैं अभी एंगल तो सही आ रहा होगा ना, देख ऑन कर दिया क्या? हाँ ठीक आ रहा है मेरे ख्याल से, तो ठीक आ रहा है। चलो अब आगे चलते हैं। तो भाई स्कूल तो मेरा आ चुका है, फ्लावर पर पहुँच चुके हैं हम मोकमपुर वाले। और दिखा तो सकाएँ क्योंकि अभी वेस्ट माउंट पहना है, और हाफ इसलिए रहा हूँ क्योंकि चढ़ाई और वेस्ट माउंट दोनों छाती मेरे उसको मतलब थका रहे हैं, हवा का थोड़ा ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए हाफ रहा हूँ। पर चलो कोई नहीं, अब क्रॉस तो करने वाले हैं, बस ये फ्लावर उसके बाद फिर हम इस पर नहीं मिलते हैं, या फिर फुआरा चौक उससे भी आगे कहीं देखते हैं अगर जहाँ मन करा। वैसे मुझे पता है सिर्फ रिकॉर्डिंग का है, मतलब एंगल का हो रहा, कहीं एंगल गलत ना रखा हो, पूरी एक एंगल के चक्कर से पूरी वीडियो ख़राब। भगवान कृपा करे, अगर भगवान जाएंगे तो अच्छा एंगल आएगा, और नहीं जाएंगे तो नहीं आएगा, तो देखते हैं। आप भी यही करो, रेयर की अच्छी एंगल आए। वही FRI की रोड पे पहुंच चुके हैं, और अब थोड़ा से आगे आते हैं FRI आ जाएगा, और अब देखते हैं मतलब परमिशन लगती है कि नहीं, या फिर वहाँ एंट्री फीस कितनी है। मेरे ख्याल से तो 20 से 30 है, मैंने इनफॉर्म मतलब जानकारी निकलवाई अपने दोस्तों को, मुझे पता चला कि 20 से 30 रुपये लगते हैं वहाँ के एंट्री फीस। और देखते हैं तब तक और एंट्री मिलती है कि नहीं, ये सबसे मेन बात है। कहीं पर चल रहा पूरी वीडियो वगैरह शूट करते जा रहे और एंट्री नहीं मिलती। और कहा बात की अभी अगर टायर थोड़ा हवा लीक करने लगा है, चला कि कहीं से उसका पंचर पंचर हो रहा है, ज़्यादा पंचर की भी नहीं पड़ी है, मतलब बहुत दिक्कत है। पिछली बार भी जितने वीडियो शूट कर रहे थे हम ऐसे राइड पर गए थे, उसकी पूरी हवा हमारा पंचर हो गया, टायर स्टक कर दिन होते ना वो लग गया था। फिर हमने भंडारी जी, मतलब भंडारी की एक शॉप है जानता हूँ यार क्या पता नहीं नाम को, तो उसके दुकान से हमने पंचर लगाया है। तब देखते हैं अभी कितना दूर है। और सबसे एक और बात कि यहाँ पर मेन चीज तो एक और भी है, यहाँ के छोले कुलचे भाई हर जगह पे देखो, सामने भी लग रहे हैं वहाँ छोले कुलचे, और भी आगे होंगे देखते हैं। और भाई आई गए तो भैया अभी FRI के रोड पे आ चुके हैं, और हमारी एंट्री मतलब हमारी एंट्री अभी के चाचा ने करवाई है, तो उनको थैंक यू। और हमारे सबकी एंट्री रुपीज़ में 10-20-30 हज़ार रुपये पर हमारी हो चुकी है, और हम कोई अलग से रास्ते जा रहे हैं जहाँ से इनके चाचा का ऑफिस यहाँ पे, उस रास्ते जा रहे हैं मेनली, मतलब दूसरे इसके दो दूसरी साइड है ना वहाँ जाते हैं लोग, पर हम यहाँ से आ रहे हैं। चलो देखते हैं और अब अंदर के सीन्स दिखाता हूँ। तो वही पहुँच चुके हैं FRI, और अभी इसके हम जो मेन ग्राउंड है, मतलब यहाँ तो बहुत सारे ग्राउंड है, तो उनमें से एक ग्राउंड में है, क्योंकि हम यहाँ पर कैमरा ना अलाउड नहीं, वाले अलाउड है बट उसके लिए एक फ़ी लगती है, मतलब 50-60 रुपये उसका रिसिप्ट लगती है, तो हम कराना चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ आ गए पहले। अब यहीं से अंदर जाएंगे, देखो FRI मतलब कितना सही है। अभी तो आगे से भी नहीं दिखाया ना आपको, आगे से दिखाऊंगा तब। अभी ये थोड़ा साइडवेज का है, और यहाँ पर हमने अपनी साइकिल खड़ी करी है, बहुत बड़ी पार्किंग है यहाँ पर। तो अब चलते हैं भाई यहाँ से अंदर। तो भाई यहाँ पर ओह चिड़िया, तो भाई हम अंदर तो आ चुके हैं म्यूज़ियम के, मतलब म्यूज़ियम बोला FRI के म्यूज़ियम है ना इसके अंदर, तो इसलिए बोला। तो यहाँ से देख लो यार, अभी हम एक कॉरिडोर में इसके, बहुत सही यार पता है। अब चलो दूसरे में चलते,
भैया आ चुके मेन इसकी रोड पे, तो ये रहा मेन एफ आर आई यार सामने से देखो, पता है अगर मतलब अभी उंगली आ गई। हाँ तो ऐसे में विश्वास नहीं हो रहा कि कैसे बन सकते हैं ऐसी बिल्डिंग इतनी बड़ी, और मतलब हर कॉरिडोर का हर स्ट्रक्चर हर डोम एकदम सेम सिमेट्रिकल, बहुत बड़ा एफ आर आई यार। कैमरे में क्या पता लग रहा हो कि नहीं हो, पर यहाँ का पार्क भी उतना ही बड़ा है, दिखता भी नहीं। तो देखते हैं भाई अभी, पर बहुत सी यार देख लो आप भी। तो चलो भैया अंदर चलते हैं। तो ये तीसरे म्यूज़ियम की तलाश में घूमते कॉरिडोर में, और साइड में भाई यहाँ पर बहुत इन्फ्लुएंसर आ रहा है, कैसा लग रहा है ये छपरी 2 रुपये मांगने भिगोंगे वाले लोग ऐसे ही आ रहे हो भी, पता है बहुत बड़ा है यार। देखो कॉरिडोर भी बहुत बड़ा है। तो भैया कॉरिडोर में घूमते घूमते एक ऐसी गैलरी में जिसमें पेड़ है यार, क्या सही पेड़ है, इसमें कुछ लिखा हुआ भी देखते हैं। ओ बहुत बड़ा पेड़ है और लिखा हुआ इसमें है क्या है, पेंडेनस फोरकाटो, अबे इसका नाम ही है पेंडेनस फोरकाटो पेंडेनसियास, पता नहीं क्या किसी ब्रिटिशर का नाम है और ये पता नहीं क्या है। चलिए अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो यहाँ देख लो यार क्या सही वाटर भी रूम भी है यहाँ पर, बहुत बड़ा पेड़ है वो बहुत सही शेप में काट रखा ना। तो भाई यहाँ पर पीछे की साइड इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और भी पता नहीं क्या बन रहा है, बट आप पता है अंदर पूरा भूल भुलैया जैसे, जहाँ हम उस कॉरिडोर से निकले थे मतलब इस कॉरिडोर से गए थे और उस कॉरिडोर से निकले, पर लगा कि हम सब एक ही कॉरिडोर से आए, मतलब समझ रहे मैं क्या कह रहा। तो बस अब देखते हैं फूड कोर्ट चलना है चलते हैं या फिर, पर यार बहुत मस्त यार कैमरे में मतलब वीडियो में क्या पता आपको दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा इतना बड़ा, बट असली में जब आओगे ना तब पता चलेगा कि आपको यहाँ पर पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, बहुत बड़ा पार्क है यार, आगे भी है पीछे भी है उस साइड भी है इसके उधर भी है। तो वही चलते हैं अब यहाँ से देखते हैं अब कहाँ जाते हैं। तो भाई हम निकल चुके हैं FRI से, पूरा FRI दिख नहीं रहा होगा इसमें तो क्या पता, बट अब निकलते हैं यहाँ से और अब घर के लिए वैसे भी लेट हो रही है। अब कितने बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं ना, 2:30 बज रहे हैं देख लो FRI 3 बज रहे, अब लेट भी हो रही है घर के लिए से निकलना पड़ेगा, नहीं तो अभी थोड़ा और घूम लेते हैं। और आज भीड़ भी बहुत है, आज संडे का दिन है ना, किस दिन आएंगे नॉन वीकेंड वाले दिन, उस दिन अच्छे से आपको एक्सप्लोर भी कराएंगे और ख़ुद भी एक्सप्लोर करेंगे, आज हमने करानी क्योंकि मनसा नहीं हुआ मतलब बहुत भीड़ देखी इतनी। तो ही चलते हैं अब। तो भाई फाइनली अब आ चुका हूँ मैं घर, और जैसे ही जस्ट अभी घर आया ना जस्ट अभी उसी टाइम मैंने अभी आउटर शूट करने लग गया हूँ क्योंकि बहुत थक रखा हूँ, मेरी आँखों बहुत जोर मच रही है। अभी 6 बज रहे हैं शाम के, सुबह के 11 बजे निकले थे और अभी शाम के 6 बजे, तो मान लो कितनी देर लगी है। वैसे इतनी देर लगती नहीं है, चाहे तुम गाड़ी से जाओ साइकिल से जाओ, से पैदल तो लगेगी बट साइकिल से नहीं लगेगी क्योंकि अब हम साइकिल से बहुत देर मतलब कहीं पे रुके भी, काम था उसके वजह से रुके, अभी वो काम था मेरे को काम था तो हमें इतनी लेट होगी। लेकिन गाइस अभी शाम को या मैं चश्मा पहन के नहीं गया ना तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, वहाँ पर पता है ऐसे जलन सी मच रही ना कि ऐसे ऐसे आँख बंद कर रहा है ऐसे मतलब झपकियाँ सी लग जा रही 2 मिनट में ही। तो वही अब इसलिए मैं आउटर शूट कर रहा हूँ और आपको मेरे चेहरे से लग ही रहा होगा कि मैं कितना थका हुआ हूँ, मेरे सुबह से हेलमेट पहन रखा, बाल ही पूरे ख़राब हो रखे पूरे, आंसू भी ना आए तब भी, चलो उसका तो कोई नहीं। अब रात को अभी जल्दी से खाना खा के सो जाऊँगा मैं बस। और एक और बात कि हम जब दिन में गए थे तो हमें कोई ऐसे वहाँ पर सबको देना पड़ता है अपना, जैसे एंट्री फीस तो हमें देनी पड़ी, अभय के जाने और चाचा जी उनके उसमें गए हम, उनके बिहाफ में गए हम और हमने आधार कार्ड का नंबर दिखाया बस, बाकी कुछ नहीं था। और उन्होंने हमें अपने घर पर बैठ के मैगी भी खिलाई तो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। उन्होंने फिर हमें रास्ता भी दिखाया कि कहाँ को है हमारा FRI, तो वहाँ से गए फिर हमने ज़्यादा कुछ घुमा नहीं क्योंकि पूरा FRI सेम ही एक मॉन्यूमेंट टाइप का है पूरा, मतलब आपको भूल भुलैया जैसे लगेगा वो एक ही जैसा स्ट्रक्चर है पूरा, अंदर आगे पीछे सारी जगह, आप जहाँ जिस गेट से निकलोगे आपको लगेगा अरे मैं तो इस गेट से आया, अरे मैं तो इस गेट से गया था, मतलब कुछ भी ऐसा नया सा नहीं है कोई भी उसमें। तो बस ये था बस आगे से मतलब सामने जो स्ट्रक्चर जहाँ जो पार्क लगे हुए बस वहीं पर बहुत अच्छा था देखने को, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। बट लेकिन म्यूज़ियम में हम गए नहीं क्योंकि टाइम तो था बट म्यूज़ियम देखने का ऐसा अच्छा मन नहीं करा, किसी दिन आराम से फुर्सत में जाएंगे कि आज वीकेंड भी था तो इतने लो आ रखे थे और इसलिए मुझे भीड़ में ज़्यादा पसंद नहीं मिल जाना, तो इसलिए हम अगले दिन कभी और का प्लान बनाएंगे। बट अभी के लिए हो चुका है और अभी घर आ चुके हैं, तो गाइस अब वीडियो को एंड करते हैं। तो होप्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, तो गाइस अगर आपकी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको आज की राइड आज का जो हम FRI गए वो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक ले बाय। और एक और बात लास्ट कि ये जो मैं अभी आउटर शूट कर रहा हूँ ना ये हम कर रहा हूँ एक्शन कैम से, ठीक है इजी एक्शन कैम से, तो आप बताना कि हमारा आउटर कैसा शूट हो रहा है, हमेशा से करता रहा आउटर में फ़ोन में लेकिन आज एक्शन कैम शूट कर रहा हूँ तो प्लीज़ बताए ना आउटर कैसा शूट हो रहा है। तो बस ये था आज की वीडियो में, आप मिलते अगले वीडियो में, तब तक ले पाए।